अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली फरहान और हम लोग अपनी 9 ओवरसीज़ पे मौजूद हैं। आज हमने इसके करने थे पीसीसी कच्चे करने थे, लेकिन क्यों नहीं किया मैं बताता हूं। ये देखें ज़रा, यहां पे पानी खड़ा है इस पूरे प्लॉट में, इस साइड पे सारा पानी खड़ा है। इसी तरह इतना पानी है कि वो ट्रैक्टर जो है ना वो उसके अंदर वो नहीं कर पा रहा, हल नहीं चला पा रहा। इसी तरह से यहाँ पे बैक पे पानी खड़ा है जहाँ पे हमारी रेत है, ये जहाँ पे रेत है यहाँ पे पानी है। सुबह को इस जगह पे भी पानी था, इस जगह पे, अब शुक्र है अल्लाह का। तो ये जनाब इसके अंदर फिर यहाँ पे भी पानी था सुबह इस जगह पे, तो वो अब खुश्क हो गया है। तो अब ये है कि हम इसको कल फटे वगैरह लगा के तो इसकी भराई कल करेंगे। अच्छा जी, बाकी आपको अंदर से मैं दिखा देता हूँ। कॉम्पैक्शन की वीडियोस मैंने पहले बना ली थी, अब ये देखिए ये आफ्टर कॉम्पैक्शन है। और कॉम्पैक्शन करने के बाद फिर ये जो बिजली के पाइप होते हैं ना ये बिछाए जाते हैं। ये आपका गेट के अंदर इंटरकॉम बेल और जो ग्लोब है उसका, फिर उधर से ये इस साइड पे जो ग्लोब लगेगा गेट का उसका है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये बाउंड्री वॉल में जो लाइट्स वगैरह आनी है ये उसके पॉइंट हैं। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये अंदर का देख लें, ग्राउंड फ्लोर। ये पाइपिंग बाद में करते हैं हम। अब फर्शों में कौन से पाइप हैं, एक तो एसी की ड्रेन है, ये एसी की ड्रेन है, ये फर्शों में जा रही है। दूसरा जो केबल के पॉइंट्स होते हैं ना वो हम ज़मीन में चलाते हैं, उनको हम बिजली के पॉइंट के साथ मिक्स नहीं करते, वरना फिर टीवी का सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है। तो ये जो ज़मीन में पाइप चल रहे हैं ना, जैसे अभी आप देखें ये ज़मीन में पाइप जा रहा है, ये यहाँ पे आपकी मीडिया वॉल पे निकल रहा है, तो ये केबल के पॉइंट्स होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें ये केबल वाले में जा रहा है, ये हमारा सूरत हाल है। अच्छा जी, किचन आ गया, ये देखें ये जो उस कमरे की एसी की ड्रेन है उधर से आके, ये तो वीडियो प्रूफ भी आपके पास रहेगा कि एसी की ड्रेन उस कमरे से आके यहाँ पर ये किचन का जो पी ट्रैप है उसके ऊपर गिर रही है। ये गैस का पॉइंट है, सॉरी ये गैस का पॉइंट है। उसके बाद जनाब अब बस इसका कच्चा हो जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करे कल हमें बारिश तंग ना करे तो कच्चा हो जाए, तो 2 हफ्ते के अंदर ये घर कम्प्लीट हो जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर हमारा ऑलमोस्ट प्लस्तर हो चुका है, सिर्फ थोड़ा बहुत काम रह गया, वो प्लस्तर हमारा हो जाएगा जल्दी। ये जनाब फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे कंपैक्टर नहीं चलता, छत के ऊपर कंपैक्टर नहीं चलता, इसको हम लोग मैन्युअली रोड़ी को डिस्पर्स करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम कमरों रोड़ी डली हुई है, स्टोर रूम में रोड़ी, वॉशरूम देख लें, ये अलमारी की थड़ी बना दी। इसी तरह यहाँ पे वॉशरूम में, ये वाला फ्लोर देख लीजिए, ये सीढ़ी वाले एरिया में ये हमारा इधर आ गया, इसमें भी ऐसे ही एसी की ड्रेन्स जा रही हैं, ये केबल का पॉइंट रन कर रहा है। वॉशरूम में जो मैं बता रहा था ये कंक्रीट हो गया, उसके बाद उसके इर्द गिर्द रोड़ी डाल गई। इसी तरह से जी आगे आ जाए, टेरेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये टेरेस, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये जो हमने बुनियादों में गीटा यूज़ किया था ऊपर वाले फ्लोर पे वो डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी हाइट हमने कंट्रोल करनी होती है। ये देखिए जी, ये सारा ये कमरे का, ये है जी छत, ये रास्ता रखा हुआ है आने जाने के लिए, इसको बस आप जल्दी बंद कर देना, जैसी छत पे टाइल लगाई ना इसको बंद कर देंगे। इस जगह से हमारा सारा काम होना है, तो वो अभी पानी की वजह से आज हम
अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके क्योंकि घर की बैक साइड पे हमारी रेत, वो सॉरी रेत भी और बजरी भी, ये बजरी जो है बैक पे उतरी हुई है, तो ये उसके आगे सारा ये पानी है, इसलिए यहाँ पे आज मशीन नहीं लग पाई। तो कल तक ही थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, फिर हम मशीन लगाएंगे। वो जी हमारे हमसायों ने सोलर पैनल भी लगवाए हुए हैं और झंडा पाकिस्तान भी उनका लहरा रहा है। झंडा ख़राब हो गया, उतार देना चाहिए। हे जी, डैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल इसकी हम आपको मुकम्मल जो PCC है वो होती हुई ज़रूर दिखाएंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।